तो आज के इस वीडियो में हम थ्री बेस्ट स्मार्टफोन्स की बात करेंगे जो कि 20,000 की रेंज में आते हैं। जितने भी फोन इस लिस्ट में है सब एक से बढ़कर एक है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले वीडियो के नीचे अंगूठा जरूर करना और सब्सक्राइब के वो लाल बटन के साथ कुश्ती खेलना मत भूलना, वो आपकी सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस लिस्ट में जो फोन नंबर 3 पे आता है वो है पोको X3। तो अगर इसके बेस्ट फीचर्स की हम बात करें तो इसमें आपको 8 GB की रैम और 128 GB की रोम देखने को मिल जाती है। और ये फ़ोन जो है बाकी के जो हमारे दो फ़ोन है जो कि सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर पे है उनसे सस्ता है। और अगर इसके बात करें हम कैमरे की तो इसमें आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा और 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 MP का माइक्रो लेंस और यहाँ पे 2 MP डेप्थ सेंसिंग के लिए। और अगर हम बात करें फ्रंट कैमरे की तो यहाँ पे 20 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। अदर स्पेक्स की तरफ हम देखें तो इसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.6 इंच की आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी और यहाँ पे 6000 mAh की लिथियम ओएन पॉलीमर बैटरी आपको बैकअप मिल जाएगा। और अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर आपको मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट पे 17,999 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि आता है नंबर सेकंड पर। तो नंबर सेकंड पे जो हमारी लिस्ट में फ़ोन है वो है Realme 7 Pro। और इसके बेस्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको AMOLED यानी कि सुपर AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। 55 W चार्जिंग स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी इसमें। और इसके कैमरे की अगर हम बात करें तो 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 MP का माइक्रो लेंस और जो है 2 MP आपके डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात करें इसके फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरा इसमें आपको 32 MP का देखने को मिलेगा। और अगर इसके अदर स्पेक्स की तरफ हम देखें तो 6 GB की रैम और 128 GB की रोम आपको मिल जाएगी। इसको आप बढ़ाकर जो है 256 GB तक ले जा सकते हो। और इसकी डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो 6.4 इंच की इसकी डिस्प्ले साइज़ है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की आपको लिथियम ओएन बैटरी मिल जाएगी। बात करें इसके प्रोसेसर की तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रोसेसर थर्ड नंबर वाले से कम है, बाकी दो चीज़ें आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाती है, AMOLED और इसकी चार्जिंग स्पीड। और ये जो है आपको फ्लिपकार्ट पे 19,999 रुपये पे मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट फ़ोन की जो कि नंबर 1 पे आता है। तो ये है Moto G 5G। इसके बेस्ट फीचर्स की बात करें तो ये 5G फ़ोन है। और अगर इसके अदर स्पेक्स की हम बात करें तो इसमें 6 GB की रैम और 128 GB की रोम आपको देखने को मिल जाती है जिसको आप बढ़ा के 1 TB तक ले जा सकते हो। और अगर इसकी डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो हमें इसमें 6.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करें तो 48 MP यानी कि 48 MP का प्राइमरी कैमरा और 8 MP का वाइड एंगल कैमरा और 2 MP का डेप्थ सेंसिंग के लिए आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। और अगर इसके फ्रंट कैमरे के लिए हम बात करें तो 16 MP का इसका फ्रंट कैमरा है। और अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। और लास्ट में प्रोसेसर की बात करें तो वही क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है जो कि एक 5G प्रोसेसर है। तो ये फ़ोन जो है आपको फ्लिपकार्ट पे 18,999 रुपये में मिल जाएगा। और इन सभी फ़ोनों की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे एक 5G फ़ोन ही परचेस करना चाहिए क्योंकि आने वाला टाइम जो है 5G फ़ोन का ही आएगा। तो उसमें आपको कन्वर्ट होने में मतलब पहले से आप अपडेट होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जिनका बजट है 20,000 के रेंज में फ़ोन लेना तो उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।